ऐसी जाम तलीम आपने अदा फरमाई कि कोई और तालीम इसका मुकाबला नहीं कर सकती ऐसी अमन की ज़मानत दी जो दरअसल अल्लाह ताली की दी हुई ज़मानत है, लेकिन अफसोस कि मुसलमान भी इस तालीम को भूल गए और ईमान के सिर्फ़ ज़बानी नारे लगा कर एक दूसरे के ख़ून के प्यासे हुए हुए, हुए हैं और इसके लिए गैरों से मदद के ताले होते हैं कलमा गो कलमा गो को दीन के मुखालफन की मदद से क़त्ल कर रहे हैं इससे ज़्यादा बदकस्मती मुसलमानों की और क्या हो सकती है और दुनिया में अमन व सलामती फैलाने के बजाय बदमनी फैलाने के हवाले से मशहूर होते चले जा रहे हैं और ये सब इसलिए है कि अल्लाह ताला ने जो इस ज़माने में अमन व सलामती के बादशाह और अल्लाह ताला के सबसे प्यारे के ग़ुलाम को दुनिया में अमन व सलामती की तालीम फैलाने के लिए भेजा है उसकी बात भी सुनना नहीं चाहते इस हद तक बढ़ गए हैं उस पर और इसके मानने वालों पर कुफर के फतवे लगाने वाले और उनको कत्ल करने को इस्लाम की खिदमत और ख़ात्म लम्बिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का मैार समझते हैं अहमदियों की ज़िंदगी से खेलना उनके नज़दीक कार्य सवाब है बस ऐसे लोग किस तरह इस्लाम की अमन की तालीम को दुनिया में फैला सकते हैं काश के लोग अकल करें उनके उल्मा, सू बनने के बजाय अक्लो दानश फैलाने वाले मा बने जमात अहमदिया के बारे में कहा जाता है कि नाज़ुबिल्ला हम आ अलैहि वसल्लम की हद तक और तोहन के मरतकब होते हैं और इसकी तालीम देते हैं लेकिन हकीक़त में हम आ हज़रतली वसम की तालीम पर अमल करने वाले और आप सल्लल्लाहु सल्ला वम से मोहब्बत करने वाले हैं, हैं। जमात का लिटरेचर इस बात का गवाह है हर साल हज़ारों सैद फितरत लोग इस तालीम और मोहब्बत को देख कर जमात अहमदी मुस्लिमों में शामिल होते हैं गैर भी ये कहने पर मजबूर हैं कि इस्लाम की ये तालीम तो ऐसी पुरसर और मोहब्बत और सलामती फैलाने वाली तालीम है कि यही दुनिया के अमन का आज वाहद हल है